दोस्तों इस लेसन में हम एक ऐसे सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे जिसके बारे में मुझसे सबसे सब ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों फोटोशॉप के बारे में एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है लेयर्स हम सब जानते हैं कि फोटोशॉप एक लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर है और इसके अंदर हम जब भी कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं और उसके ऊपर जो कुछ भी काम करते हैं वो हम लेयर्स की सूरत में करते हैं तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को ये गाइड करने जा रहा हूँ के फोटोशॉप में बेसिकली लेयर्स का कॉन्सेप्ट क्या है और हम उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको फोटोशॉप की तरफ लेके चलूं मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जब कोई बिल्डिंग बनाई जाती है तो उसके डिफरेंट फ्लोर्स बनाए जाते हैं सबसे पहले बेसमेंट या ग्राउंड फ्लोर फिर उसके बाद फर्स्ट फ्लोर फिर उसके बाद सेकेंड फ्लोर थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर और इस तरह से बहुत सारे फ्लोर्स आप किसी भी बिल्डिंग के बना सकते हैं दोस्तों जब हम फोटोशॉप के अंदर लेयर्स के साथ किसी भी डॉक्यूमेंट को या फाइल को क्रिएट करते हैं तो बेसिकली हम बिल्कुल यही काम कर रहे होते हैं हम स्टेप बाय स्टेप लेयर्स की सूरत में फ्लोर्स की सूरत में किसी भी डॉक्यूमेंट को और किसी भी आर्टवर्क को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं इसका हमें फ़ायदा ये होता है कि हमारे जो आर्टवर्क है वो हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स में डिफरेंट हमारे लेयर्स के अंदर हमारे पास मौजूद रहता है और उसको हम किसी भी वक्त आसानी के साथ एडिट कर सकते हैं तो चलें चलते हैं फोटोशॉप की तरफ दोस्तों जब हम फोटोशॉप के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो हमारे सामने जो व्यू आता है वो कुछ इस किस्म का होता है और आपको पता है कि ये आपके सामने राइट right कॉर्नर के ऊपर ये लेयर पैनल मौजूद है दोस्तों विंडो के अंदर जाके भी आप लेयर पैनल को ओपन कर सकते हैं और इसकी शॉर्ट की मैं आपको बता चुका हूं जो कि है F7 अच्छा दोस्तों अब ये आपके सामने एक बैकग्राउंड लेयर मौजूद है जिसके ऊपर ये एक छोटा सा लॉक भी लगा हुआ है सबसे पहले आप लोगों ने ये करना है कि लेयर्स स्टार्ट करने से पहले आपने इसको डबल क्लिक करके नाम देना है यानी कि आप इसको लेयर जीरो या बैकग्राउंड या कुछ भी नाम दे सकते हैं इस वक्त मैं इसको ओके okay करता हूँ और आप देखें कि इस फर्स्ट लेयर का लॉक ओपन हो चुका है और इसका नाम जो है वो लेयर जीरो आ चुका है ये जो लेयर है यहीं पे हमारे सामने ये जो पैनल है यहाँ पे हमारी तमाम की तमाम लेयर्स हमें नज़र आती रहेंगी जैसे जैसे हम नई लेयर्स यहाँ पे ऐड करते जाएंगे अच्छा मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि ये जो लेयर है इसके अंदर दो तीन चीजें आप देख सकते हैं ये यहाँ पे अगर आप डबल क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास मौजूद है जी लेयर का नाम लिखने की ऑप्शन जिस तरह से मैंने आपको बताया है अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं इस पे लिख देता हूँ बीजी बीजी का मतलब है बैकग्राउंड इसके सामने ये आपके पास एक छोटा सा आइकॉन है जिसके अंदर आपकी लेयर के अंदर जो भी कंटेंट मौजूद होगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा और इसके साथ ही ये छोटा सा बटन है जिसको अगर हम ऑफ कर दें तो हमारी लेयर के अंदर जो भी कॉन्टेंट है वो ऑफ हो जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारी लेयर के अंदर वाइट कलर फिल हुआ हुआ है और अगर मैं इस बटन को ऑफ करता हूँ आई बटन को तो मेरी वो जो लेयर के अंदर जो वाइट कलर है वो नजर नहीं आता और बिल्कुल हमारे पास ट्रांसपेरेंट सा एक व्यू आ जाता है तो दोस्तों ये है हमारी लेयर का बेसिक स्ट्रक्चर की उसके अंदर क्या दो तीन चार ऑप्शंस होती हैं अच्छा इसके बाद अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आए ये बॉटम देखें इसी मेन्यू का तो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ बटन मौजूद हैं आए इनमें से एक दो बटन को स्टडी करते हैं दोस्तों ये एक बटन है क्रिएट अ न्यू लेयर यानी कि अगर आपने न्यू लेयर क्रिएट करनी है जैसा कि जब हम काम करेंगे आर्टवर्क प्रोड्यूस करेंगे कोई भी पोस्टर मैगजीन ऐड वगैरह वगैरह तो हम यहाँ से लेयर्स ऐड करते जाएंगे और उनके अंदर हम डिफरेंट चीज़ें जैसा कि पिक्चर्स एलस्ट्रेशन टेक्स्ट या जो भी हम चीज़ें ऐड करना चाहेंगे वो हम उन लेयर्स के अंदर ऐड करते जाएंगे तो यहाँ से आप बेसिकली न्यू लेयर्स बना सकते हैं जितनी बार आप यहां से क्लिक करते चले जाएंगे नई लेयर बनती चली जाएगी जैसा कि आप ये देख रहे हैं और उसको नया नंबर भी मिलता चला जाएगा अगर मैं अब यहां पे कंट्रोल और जी करना शुरू कर दूं यानी कि अंडू करना शुरू कर दूं तो यह जो लेयर्स मेरी ले वापस जाना शुरू हो जाएंगी अच्छा इसी तरह से ये आपके पास एक और बटन है बिल्कुल राइट पे जो है डिलीट लेयर का अगर मैंने ये एक लेयर क्रिएट की है अगर इसको मैं खत्म करना चाहूँ तो मैं इसको ड्रैग करूंगा और यहाँ पे इसको आके रख दूंगा इस डस्टबिन के अंदर इस बिन में तो ये जो लेयर है मेरी डिलीट हो जाएगी अदरवाइज मेरे पास एक और तरीका भी है कि मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूं और डिलीट का बटन जो है वो प्रेस कर दूं तो भी ये लेयर डिलीट हो सकती है अच्छा ये दो लेयर्स हैं आपके सामने और आप देख सकते हैं कि ये जो लेयर मैंने सेलेक्ट की हुई है उसमें इससे कुछ मौजूद नहीं है लेकिन ये जो लेयर जब सेलेक्ट हो जाती है तो उसको थोड़ा सा उसको जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है जरा लाइट ग्रे की तरफ इसका कलर जा चुका है अच्छा इसी तरह से मैं एक और बटन आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा इंपॉर्टेंट ऑप्शन ये फॉर एग्जाम्पल मैंने सेवन लेयर्स बनाई बीजी वाली लेयर के अलावा टोटल ये मेरी इस वक्त आठ लेयर्स यहाँ पे मौजूद हैं अगर मैं इन सेवन लेयर्स को एक ग्रुप की सूरत में देना चाहूँ ग्रुप की सूरत में बनाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा मैं शिफ्ट के साथ इन सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल जी की ऑप्शन हम प्रेस कर देंगे जैसे कंट्रोल जी का बटन प्रेस करेंगे तो ये देखें ये तमाम जो लेयर्स हैं ये एक ग्रुप की सूरत में एक ग्रुप बन चुकी हैं और अब हम इस पूरे ग्रुप को ऑन या ऑफ कर सकते हैं इसी तरह से दोस्तों हमारे पास यहाँ पे ये ग्रुप का बटन है ये आपने ग्रुप बनाया और इसके बाद अगर आपके पास ये लेयर्स मौजूद हैं इनको आपने उठा के ड्रैग किया इस ग्रुप में तो ये देखें वो उस ग्रुप के अंदर चली गई तो ये तो मैंने आपको बताया कि बेसिकली लेयर को जो है हम फोटोशॉप के अंदर किस तरह से ट्रीट करते हैं चलें एक मैंने आपके लिए एक फाइल बना के रखी हुई है ये छोटी सी ये एक बच्चों का इमेज है आपके सामने आप देख सकते हैं और इसके साथ कुछ ये चार पांच लेयर्स हैं जिसमें ये एक बैकग्राउंड लेयर है जिसपे के व्हाइट कलर है अगर मैं इसको स्विच ऑफ करूं तो ये आप देख सकते हैं व्हाइट कलर मैंने बैकग्राउंड पे किया हुआ है इसके अलावा ये एक लेयर है हमारी जिसके अंदर ये हमारी कोटेशन अवेलेबल है ये और ये एक बच्चों का इमेज है और ये कुछ दो शेप्स मैंने रखी हुई हैं। अच्छा दोस्तों यहाँ पे मैं आपको जो चीज समझाना चाह रहा हूँ वो सिर्फ ये है कि ये जो लेयर्स का ऑर्डर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब जो लेयर सबसे ऊपर आपने यहाँ पे लेयर पैनल में रखी होगी वही लेयर आपको सबसे ऊपर यहाँ पे आपके कैनवस के ऊपर भी दिखाई देगी मिसाल के तौर पर अगर ये कोटेशन को मैं यहाँ पे ड्रैग करके देखू तो ये देखें ये जो कोटेशन है ये क्योंकि मैंने इसकी लेयर सबसे सबसे ऊपर रखी हुई है तो ये मुझे ऊपर दिखाई दे रही है इसी तरह से ये जो मेरा चिल्ड्रन वाला इमेज है अगर इसको मैं सबसे नीचे ले जाता हूँ तो ये देखें ये मेरे जो शेप्स हैं और ये जो मेरे कोटेशन है ये तमाम की तमाम चीजें इस इमेज के ऊपर आ गई अगर मैं शेप्स को इसके नीचे करना चाह रहा हूँ जैसे कि बैकग्राउंड में दिखाना चाह रहा हूँ इस पॉलीगॉन को और इस सर्कल को तो ये मैं इस चिल्ड्रेन वाले इमेज के नीचे इस वाली लेयर को इन दोनों लेयर्स लेयर्स को को शेप्स वाली रखूंगा तो इस तरह से आपने ये देखा है कि हम लेयर्स को जिस ऑर्डर के अंदर यहां पे लेयर पैनल में प्लेस करते हैं ऊपर नीचे उसी तरह से वो हमें यहाँ पे कैनवस में नजर आती हैं जो लेयर्स ऊपर होंगी वो ऊपर दिखाई देंगी जो लेयर्स नीचे चली जाएंगी वो नीचे दिखाई देंगी जी तो दोस्तों आप लोगों ने इस लेसन के अंदर लर्न किया कि आप लेयर्स को किस तरह से फोटोशॉप में यूज करते हैं और बेसिकली ये भी जाना कि फ़ोटोशॉप का फ़ोटोशॉप के अंदर लेयर्स को यूज़ करने का मकसद क्या है तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि लेयर पैनल और लेयर्स को फोटोशॉप में किस तरह से यूज़ किया जाता है आ, इस चीज़ का हम आने वाले तमाम फोटोशॉप के लेक्चर्स के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं और जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि लेयर्स की सूरत में ही हम अपना आर्ट वर्क फ़ोटोशॉप में प्रोड्यूस करते हैं तो इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में हम फोटोशॉप के बारे में मजीद चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे